मेरे चैनल की किसी भी वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए हैशटैग टेक्निकल जतिन, या फिर इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन बना होगा उसको दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो या फिर इस चीज़ का मतलब क्या है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल का इंट्रो देखना तो बनता ही है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल का इंट्रो देख लिया होगा और आपने ये भी देखा होगा कि जब मेरे चैनल का इंट्रो ख़त्म होता है तो वहाँ पे लिखा आता है टेक्निकल जतिन। तो आपसे मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, मेरे चैनल के नाम के बारे में। आपको मैं बता दूँ, कुछ दिन पहले मेरे चैनल का नाम था टेक्निकल जतिन, जैसे कि आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आपने पीछे दो दिन पहले मेरे चैनल को खोला होगा या फिर आज भी आप मेरे चैनल को खोलते हो तो वहाँ पर लिखा आता है दी टेक्निकल जतिन। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें स्प्रेड करते हैं लोगों के बीच में। इसको बहुत ज़्यादा प्राउड आ गया हुआ है कि इसके 700 750 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि मेरा चैनल का नाम टेक्निकल जतिन से थी टेक्निकल जतिन कैसे पड़ गया। तो बात है सन 1984 की, मजाक कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को अब से 2 महीने पहले सर्च करते थे तो जो मेरा चैनल था वो हमेशा पहले नंबर पे आता था और बाकी जो टेक्निकल जतिन नाम से चैनल थे वो मुझसे नीचे आते थे। तो क्या हुआ, अब से 1 महीने पहले ही मेरा जो चैनल था वो दूसरे नंबर पे आने लग गया और मेरे से ऊपर एक चैनल है टेक्निकल जतिन नाम का जिसके करीब 150 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं ये सोने लग पड़ा कि ये जो बंदा है ये वीडियो भी नहीं अपलोड करता और इसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है, तो इसका चैनल मतलब कि मेरे चैनल से ऊपर कैसे आ सकता है, क्योंकि YouTube पे ऐसा बहुत ही कम होता है या फिर ऐसा होता ही नहीं है। जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं या फिर जिस बंदे को ज़्यादा व्यू मिलते हैं उसी का चैनल सबसे ऊपर आता है। तो आपको पता ही है वो बंदा तो ज़्यादा वीडियो अपलोड करता नहीं, उसके सब्सक्राइबर्स भी कम है और उसके व्यूज़ भी मुझसे कम है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने YouTube इंडिया को मेल किया, उनका भी आगे से मेल आया लेकिन उससे मेरी कोई मदद नहीं हुई। मैंने इसके ऊपर सर्च की गूगल पे इधर उधर, उससे भी मेरी कोई मदद नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कई बार ऐसा होता है YouTube के एल्गोरिदम में आपका चैनल आ नहीं पाता है, जो YouTube का एल्गोरिदम है वो आपके चैनल को कई बार डिटेक्ट कर ही नहीं पाता है, तो शायद ये वजह हो सकती है कि जो मेरा चैनल है वो नीचे जा रहा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि एक बार मैं अपने चैनल का नाम बदल लेता हूँ और उसके 5-6 दिन बाद मैं फिर से अपने चैनल का नाम सेम टू सेम वही रख लूँगा जो कि टेक्निकल जतिन है। मैं इसको इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि मैं आप देख के हैरान हो रहा था, दुखी हो रहा था कि मेरा चैनल यार दूसरे तीसरे नंबर पे क्यों आ रहा है, पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रहा। और मैं अपने चैनल का नाम इसलिए भी बदलना चाहता था क्योंकि मेरे जो कुछ दोस्त हैं जब मेरे चैनल को सर्च करते थे यूट्यूब पे तो वहाँ पे तो बहुत सारे टेक्निकल जतिन नाम से चैनल आ जाते थे और मैंने अपनी तो फोटो भी नहीं लगा रखी थी, तो वो फिर मुझसे पूछते थे कि यार इनमें से तेरा कौन सा चैनल है। फिर मैंने ये सोचा कि ऐसे तो बड़े लोग मेरे चैनल को ढूंढ ही नहीं पाएंगे, अगर मेरा चैनल पहले नंबर पे आएगा नहीं तो बहुत सारे लोग अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो अब मैंने ये ठान लिया था कैसे भी करके मुझे अपने चैनल का नाम ऊपर लेके आना है। तो जब मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया दी टेक्निकल जतिन, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने चैनल का नाम पुराने वाला कर देता हूँ ताकि सर्च करने पे मेरा जो चैनल है वो सबसे ऊपर आ जाए। तो कल की बात ही है, मैंने अपने चैनल के नाम को चेंज करने की कोशिश की, मैंने वहाँ से टेक्निकल जतिन के आगे से टी हटाया, उसके बाद ओके पे क्लिक किया और फिर वहाँ पे लिखा है चेंज टू रिसेंटली। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने चैनल के नाम को 2 से 3 बार चेंज करते हो 90 दिनों के अंदर तो आप उसको अगले 90 डेज के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो। तो यही एक वजह थी कि जो मेरे चैनल का नाम था वो दी टेक्निकल जतिन ही रह गया, मैं उसको चेंज नहीं कर पाया पुराने टेक्निकल जतिन नाम के अंदर। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मुझ में कोई प्राउड नहीं आ गया है, मैं कोई महान नहीं समझ रहा अपने आप को, मैं बस यही चाहता था कि मेरा चैनल सबसे ऊपर आए और आप लोगों को दिक्कत ना हो मेरे चैनल को सर्च करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता लगे कि मुझ में कोई प्राउड नहीं है, मैं सिर्फ आपका दोस्त हूँ जो आपकी हर चीज़ में मदद करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जो कि बिल्कुल ही फ्री है, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।